नहीं अभी तो आनी चली है, उसका डेढ़ पेज हो गया था, 17/10/2003 की अभी तो आनी है, दूसरे पेज में मध्यान्ह अभी तो बाप दादा ने बोला देखो माला आपका यादगार है,
देखो माला आपका यादगार है, किस समय का यादगार है? संगम युग का यादगार है। तो सब एक नंबर तो नहीं होंगे ना, एक मण का एक ही नंबर का तो होगा, एक मणके में दो नंबर चार नंबर तो नहीं बैठ जाएंगे। 108 नंबर है ना, तो नंबर वार हैं और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है? ये नहीं सोचना अच्छा मैं आठ में तो हूं ही नहीं, क्या ऐसे नहीं सोचना चाहिए 108 में शायद आ जाऊं। तो 108 में लास्ट भी मेरा मणका हो सकता है, ऐसे पिछले पिछले नंबर की बात सोचेंगे तो मन में संकल्प आएगा कि हो सकता है 108 के लास्ट में मैं आ जाऊं। जब लास्ट का नंबर बुद्धि में रखेंगे तो क्या होगा? बुद्धि में ये बात आएगी मेरे भी तो कुछ न कुछ संस्कार नीचे ऊपर होंगे ना, लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते स्नेह देते देते आपके स्नेह के संस्कार आ जावेंगे, आपके संस्कार भी सुख देने के बन जावेंगे, यही सेवा है। और ये सेवा फर्स्ट कहाँ से शुरू करनी है? चैरिटी बिगिंस एट होम। कौन सा होम? शरीर। पहले तो शरीर, लेकिन शरीर में तो जो आत्मा है उसका एक ही मणका होगा, उसके बाद परिवार, उसके बाद जो ब्राह्मण परिवार है, तो ब्राह्मण परिवार में देने की बात बुद्धि में रखना है। कोई हमें दे ये बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं किस बात पर हंसी आ रही थी? देखना वो बात बताएंगे तो आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं और अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल लेता है और कभी दूसरे सेंटर का टीवी खोल लेता है, कभी फॉरेन का कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है, तो बाप दादा को पता पड़ जाता है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है तो टीवी ऑन करके इधर उधर देखते रहते हैं। बच्चे भी कहते हैं सामान बनना ही है, ये बात पक्का है ना? क्या बात पक्की है? हैं? हैं? बाप समान बनना है, बाप बिंदी है, परम धाम में 5000 साल रह जाएगा, तो ऐसा बनना है, हैं? क्यों? जो बिंदी बाप सुप्रीम सोल परम धाम में 5000 साल रहने वाला अभोक्ता है, ऐसा बनना है? बाप समान नहीं बनना है, हैं? 5000 साल ऊपर बैठेगा शांति में, ऐसा नहीं बनना है, हैं? बाप समान नहीं बनना है, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, लेकिन साकार में भी फर्क बजाना है ना?
अरे निराकार में भी बजाना है, साकार में भी बजाना है? साकार में है, ऐसा तो कैसे हो सकता है कि परम धाम में भी बैठे रहो और 5000 वाली सृष्टि पर भी बाट बजा लो? हाँ, वो सुप्रीम सोल जिसमें आकर के आप समान बना रहा है, उस साकार के समान हमारी भी स्टेज बन जाएगी। तो बनना ही है, पक्का है ना? समान तो बनना ही है। कुमारियां बताओ, समान बनना है या कुछ और कोई दूसरी बात बुद्धि में आती है? कुछ बन गए हो क्या? सब ठीक है ड्रामा में? नहीं, ठीक नहीं हुआ। बनना है तभी कुमारियों को बनना ही है। मरना पड़े चाहे क्या भी करना पड़े, सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं, मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, वो हाथ उठाओ। देखो कुमारियां, सोच के साथ हाथ उठाना, तो ऐसे ही हाथ उठा दो। इन हाथ उठाने वालियों का फोटो निकालो। कोई ने हाथ उठाया होगा तो बाबा ने कहा इनका फोटो निकालो। 17-3 की वाणी का तीसरा पेज। कुमारियां बहुत हैं, कुमारियां बहुत हैं, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अच्छा पांडव हाथ उठाओ, सुना? बाप समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो आने वाले संगम युग में मजा नहीं आएगा। क्या आने वाला संगम युग में मजा नहीं आएगा? मजा नहीं आएगा तो क्या होगा? स्वर्ग का सारा नशा उड़ जाएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे। क्या यहाँ भी मजा नहीं आएगा और परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे? कौन सा परम धाम बताया? साकार में। जो साकार दुनिया में निराकारी स्टेज वाला संगठन बनेगा, उस संगठन में भी बाप के नजदीक नहीं पहुंच सकेंगे। पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा। जो सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे, उस देवता बने में भी फर्क पड़ जाएगा। सतयुग के राज्य भाग में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना? किसका? पांडवों का। क्यों? क्योंकि हम जिनसे है, बाप मेल है तो पांडव भी मेल है, तो हम जिनस हुए ना। डबल विदेशियों का सबसे जास्ती प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। क्या बाप से प्यार की बात नहीं पूछी? क्या पूछा? ब्रह्मा बाबा से। जिनका ब्रह्मा बाबा से दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। दिल का प्यार है डबल विदेशियों? अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, क्या निशानी होगी? नहीं, हाँ समान बनने वाली बात ही है, हैं? जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वो अब प्यार करने वाले को भी अच्छा लगेगा। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली होने लगेंगे तभी वह प्यारा लगता है, ऐसा कहा जाएगा। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे से आए तो अच्छा नहीं कहा जाएगा। पहले जन्म से लेकर आए, साथ में आना पड़े, दूसरे तीसरे से भी नहीं,
कोई कहे 21वें जन्म में हम साथ आ जाएंगे, वो तो बात ही छोड़ो, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर के लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, तब कहेंगे बाप दादा से या ब्रह्मा बाप से सच्चा प्यार है, तब कहेंगे। इतने संस्कार यहाँ मिलने चाहिए, इतने संस्कार मिलने की शूटिंग होनी चाहिए कि फर्स्ट जन्म से लेकर के 84वें अंतिम जन्म तक साथ रहने का फायदा उठाएं। भिन्न भिन्न रूप के साथ रहेंगे तो बाप के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ कौन रह सकता है, हैं? मुरली में भी बोला है, बाप के साथ कौन रह सकेंगे, जो पूरे मरे हुए होंगे, काय से मरे हुए होंगे, शरीर से मरने की बात नहीं है, देवहन से मरे हुए होंगे, वो बाप के साथ रह सकेंगे, नहीं तो क्या होगा, हैं? नहीं तो क्या होगा, हैं? भागते रहेंगे, दूर भागते रहेंगे, बजाय नजदीक आने के संकल्प करने के, क्या होगा, दूर भागते रहेंगे, तो बताओ साथ कौन रह सकता है, जो समान होगा। से पहले की अव्यक्तवाणी में क्या बोला था, मरे हुए को क्या मारेंगे, जो पहले ही मर चुका है उसको मारने की तो बात नहीं। पैदा नहीं होती, तो बाप जीते जी मरे हुए का पार्ट बजा रहा है, तो जो नजदीक रहने वाले बच्चे हैं वो भी कैसा पार्ट बजाएंगे, जीते जी मरे हुए का पार्ट बजाएंगे, जो समान होगा वो तो है नंबर वन आत्मा, तो नंबर वन आत्मा के साथ कैसे रहेंगे, नंबर वन बनेंगे तब तो साथ रहेंगे, अगर ये बात बुद्धि में आ गई कि चलो 8 में नहीं, 5वीं दान अर्थ में नहीं, 108 में आ जाएंगे, अच्छा 108 में कुछ कमजोरी रही तो लास्ट का मन का बन जाएंगे, तो साथ साथ नहीं रह सकेंगे, कौन साथ रह सकेंगे, अरे बाप जो पार्ट बजाता है वो तो सूर्य का पार्ट है ना, गीता में भी क्या लिखा है कि मैंने जब ये गीता ज्ञान दिया तो सबसे पहले किसको दिया, सूर्य को दिया, कहते ना सूर्य देवताय नमः चंद्र देवताय नमः, तो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाला कोई देवता रहा होगा ना, कहते भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, नर से नारायण बनाने आता हूँ गीता ज्ञान सुनाकर, तो साथ कौन रह सकता है, जो समान होगा, नंबर वन आत्मा के समान बनना पड़े, नंबर वन बनेंगे तब तो साथ रहेंगे, सब बातों में नंबर वन, मनसा में भी नंबर वन, मनसा में नंबर वन क्या होता है, मन के अंदर जो संकल्प चले वो भी नंबर वन के जैसे संकल्प हो वैसे ही संकल्प चले, जिसको भक्ति मार्ग की गीता में भी बोला गया मन मना भव, क्या मन मना मेरे में मन लगा दे, तेरे मन के अंदर जो संकल्प चले वो भी मेरे मन के संकल्पों के अनुकूल चले, मन मनसा के संकल्प में भी कोई संकल्प मात्र भी विरोधाभास ना आए, वाचा में विरोधाभास आना, कर्म इंद्रियों की कर्मणा में विरोधाभास आना वो तो दूर की बात, मनसा में भी कोई संकल्प ना आए विरोधाभास का,
तो बोला नंबर वन बनेंगे सब बातों में, नंबर वन मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, मन बुद्धि के जो वाइब्रेशन फैलते हैं चारों तरफ, उस वृत्ति वाइब्रेशन में, दृष्टि में, कृति में, सब बातों में समान बनना पड़ेगा। तो नंबर वन है या नंबर बार है? नंबर वन आने वालों की लिस्ट में है या नंबर बार ग्रुप्स में चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता, कोई भी बात कठिन बात लगती है तो क्या करना चाहिए? मेहनत कब लगती है? जब मोहब्बत में नहीं होते तो मेहनत लगती है, अगर मोहब्बत पैदा हो जाए तो कोई भी बात में मेहनत नहीं लगेगी। और परमात्मा बाप के साथ या परम पार्ट बजाने वाले के साथ मोहब्बत तब ही पैदा हो सकेगी जब एक स्लोगन पक्का हो। कौन सा? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा कोई। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी मुश्किल नहीं होती है, मोहब्बत में कुछ भी कठिन नहीं होता है। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस वाले, प्यार वाले, जान भी कुर्बान कर देते हैं। दुनिया में क्या होता है, जो बॉडी कॉन्शियस का जिनके अंदर प्यार होता है वो भी कितना कुर्बानी कर देते हैं, अपनी जान भी गवा देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो ये क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। ब्रह्मा बाबा से अगर प्यार है तो क्या होना चाहिए? आज से सबके संस्कार ब्रह्मा बाबा के समान होना चाहिए। पक्का हो गया? रिपोर्ट आएगी, आपके साथ ही लिखेंगे कि इन्होंने बाबा के सामने तो कह दिया कि हम चेंज हो गए, लेकिन रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। सुन रही है दादियां? पहले किसको पकड़ा? सुन रही है दादियां? कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा? मोहिनी सुनावे? बदलेंगे ना, ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे ना। कौन बैठी हुई थी सामने बाबा के? है अमेरिका की मोहिनी। तो पूछा, अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे ना। अब हंसी की बात तो रह गई, वो तो बाबा ने बताई नहीं। हंसी की बात यह है, तो सभी कहते हैं पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है कि ये बेचारे पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, क्या मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? मेहनत की जगह मोहब्बत करना चाहिए। तो मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत इधर उधर लटक जाती है। तो मोहब्बत जब दूसरों के साथ लटक जाती है तो बाप दादा का जो प्यार का रिटर्न मिलना चाहिए, महसूस होना चाहिए, वो महसूस नहीं कर पाते। तो बाप दादा को बहुत रहम आता है
कि पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या संस्कार ही ऐसा? कैसे संस्कार है? मेहनत करने के, माने बाप दादा से मोहब्बत करने के संस्कार नहीं है? माने पूर्व जन्म में 63 जन्म में बाप दादा के साथ जंग ज्यादा लिए, लड़ाइयां ज्यादा की है? हैं? संस्कार मोहब्बत के नहीं है, काहे के है? टकराने के संस्कार ज्यादा है। क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार पूर्व जन्म से पड़े हुए होते हैं या सिर्फ इसी एक जन्म में पड़ते हैं? पूर्व जन्म से पड़े हुए तो साक्षात्कार होता रहता है बच्चों को, कहते हैं, अपने आप ही कहते हैं, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कह करके अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन इतना कहने मात्र से ही बुद्धि में आ जाना चाहिए कि संस्कार अगर बाप दादा के साथ नहीं मिलते हैं, बाप समान कोई बातों में नहीं बन पाते हैं, तो पूर्वजनों में नजदीक रहे हैं या दूर रहे हैं? दूर रहे हैं। इसमें हल्का करने की बात नहीं, विचार चलाना चाहिए। लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? हैं? आप तो देवता थे, देवताओं के संस्कार आपस में टकराते हैं, ये सब देवताएं मिलकर एक होकर रहते हैं, एक होकर रहते हैं। तो 21 जन्म तो आपके संस्कार पक्के थे, टकराने के संस्कार तो नहीं थे। फिर कहां से टकराना शुरू हुआ? द्वापर युग से। जब से द्वैत शुरू हुआ, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं और धर्म की आत्माएं आने लगी, तो उनके संग के रंग में आकर क्या हुआ, बाप से संस्कार टकराने लगे। और उसकी शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग भी उसकी संगम युग में होती है। माना दूसरों का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, बाप का प्रभाव उतना नहीं पड़ता। तो आप आत्मा हो, ये संस्कार क्यों टकराते हैं? क्योंकि द्वापर युग से क्या भूल गए? मूल बात आत्म की स्थिति भूल गए, देह भान में आने लगे। तो देह भान आने से क्या होता है? संस्कार टकराते हैं। आप बादी तो नहीं हो ना, तो आत्मा के संस्कार क्या है? आत्मा आत्मा भाई भाई के संस्कार होने चाहिए। जैसे भाई भाई में आपस में प्यार होता है, ऐसा आपसी स्नेह होना चाहिए ना। और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वो आपका मेरा संस्कार है या रावण का संस्कार है? द्वापर युग से जो विधर्मी आए हैं, कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस और लोभी मुस्लिम्स, मोही महर्षि, अहंकारी नास्तिक, उनके संग के रंग में आकर ये संस्कार तो नहीं पलट गए? ये किसके संस्कार है? रावण। ये 5 सिर वाले रावण के संस्कार है। और उनके साथ साथ 5 तत्वों वाली प्रकृति भी है। जैसे जैसे मनुष्यों के संस्कार बदलते जाते हैं, वैसे वैसे प्रकृति भी बदलती जाती है। प्रकृति माना अपना ही स्वभाव, संस्कार जैसे बदलता है तो प्रकृति भी चेंज हो जाती है, 5 तत्व भी चेंज होने लगते हैं। तो जो कहते हो कि मेरा संस्कार है, वो मेरा संस्कार है या रावण का है? किसका है? आपका नहीं है ना, आपका तो नहीं है ना। संग के रंग से आप में वो संस्कार आ गया ना। जैसे लोहा है, लोहे को अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि के साथ
क्या बन जाता है? अग्नि बन जाता है ना। अग्नि का संग करेगा, करता ही रहेगा तो कैसा संस्कार रहेगा? अग्नि का संस्कार रहेगा और अग्नि से बाहर आ जाएगा तो वो संग का रंग हट जाएगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। पुरुषार्थ नीचा हो जाता है, पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो पाता, तो ऐसी आत्माओं का संग नहीं करना चाहिए जिसका संग करने से महसूस होता है कि हमारी अवस्था ऊंची उठती है, तो उसका संग करना चाहिए ना। तो पूछा, ये संस्कार रावण का है या आपका है, मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार है ऐसा है, तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। यहां वहां से किचड़ा आ जाता है, वो किचड़ा हम अपने में धारण कर लेते हैं। क्या ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी क्या है? ये भी किचड़ा है। जैसे सोना आग में डाला जाता है तो जो खराब सोना होता है उसके अंदर से लोहा चांदी तांबा का किचड़ा बाहर आ जाता है। तो किचड़ा उड़ के आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज आ गई है। तो जो रावण की चीज आ गई है उसको मेरा कैसे कहते हो कि मेरा संस्कार है? है मेरा नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार आ जाता है, आत्मा अभिमानी में ये कोई भी संस्कार नहीं आवेंगे, देह अभिमानी के। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन कर देना, क्या मेरा मेरा कहते कहते ममत्व हो जाता है, ये ममत्व से दूर हट जाना। मेरा मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है हमारा, ऐसा बोलने का भाव नहीं है लेकिन संस्कार है। अच्छा दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है, किसका भाव? स्व का भाव। स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव स्व का भाव तो अच्छा होता है ना, खराब तो नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव मेरा संस्कार, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। आदि और अनादि स्वभाव संस्कार क्या है? सृष्टि की जब आदि हुई थी, देवताओं की सृष्टि की आदि में मेरा स्वभाव क्या था? बॉडी कॉन्शियस का था, नहीं था ना। और अनादि स्वभाव क्या था जब परमधाम में थे? आत्मा की स्थिति में थे। टकराने का स्वभाव था क्या? नहीं। उस समय तो हमारा स्वभाव संस्कार ऐसा था कि संसार में उसके वाइब्रेशन फैल रहे थे, ज्ञान सोने बगैर ही आत्माएं आत्मा की स्थिति में स्थित होने लगी थी, ऐसी मनसा सेवा हो रही थी जिस रूप स्टेज में। तो आपका आदि और अनादि स्वभाव क्या है? वो याद करो। मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है वो कौन बोलता है? आत्मा बोलती है ये मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। तो जो खिट-पिट करते हो वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना।
अर्थात हर आत्मा के प्रति समान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा समान में रहो औरों को भी समान से देखो। समान से औरों को भी देखेंगे तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटपिट होती है तो पसंद आता है क्या? खिटपिट तो किसी को पसंद नहीं आती क्या? सहज सहज चलता रहे वो सबको पसंद आता है, तो खिटपिट पसंद नहीं आती है ना। तो देखो एक दो को समान से देखो। 17:10 की वाणी का चौथा पेज, ये विशेष आत्मा है, इस भाव से देखो। विशेष ये भी विशेष आत्मा है, ये भी विशेष आत्मा है, जिसको देखो उसकी विशेषता को देखो। ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है क्या? बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, दीदी दादी दादाओं के पालने वाली आत्मा नहीं है, नहीं है। ये तो सोच सकते हो, ये आत्मा कौन सी आत्मा है? बाप की, डायरेक्ट बाप की पालना लेने वाली आत्मा है। तो विशेष आत्मा हुई या साधारण आत्मा हुई? विशेष आत्मा हुई, विशेष आत्मा होगी। इतना भाव बुद्धि में नहीं आ सकता, आना चाहिए। ये कोई धर्म गुरु की पालना लेने वाली आत्मा नहीं है, महात्माओं की पालना लेने वाली आत्मा नहीं है, धर्म नेताओं की पालना लेने वाली आत्मा नहीं है, धर्म पिताओं की पालना लेने वाली आत्मा नहीं है। धर्म पिताएं भी ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं, उनकी पालना में भी पलने वाली आत्मा नहीं है। उनकी पालना में भी जो पले हैं उनकी भी हिस्ट्री गाई जाती है क्या? कौन सी आत्माएं हैं? डायरेक्ट बाप की पालना में पलने वाली आत्माएं हैं। ये पोतों में कोई है और कोई में भी कोई आत्मा है। ये कैसे? करोड़ों में से 500 करोड़ में से कोई कोई निकले बेसिक नॉलेज में क्या? 500 करोड़ में से कोई कोई निकले बेसिक नॉलेज में, और कोई कोई जो बेसिक नॉलेज में से निकले उनमें से पुरुषार्थ करने वालों में कोई कोई चुने गए एडवांस में बाप के द्वारा। तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा है। तो एक सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। क्या बेसिक नॉलेज में क्या प्रैक्टिस कराई गई? बिंदी को। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप परमात्मा बिंदु। जिन्होंने ये प्रैक्टिस की वो तेजी से लास्ट तो फास्ट चले गए, और जिन्होंने ये प्रैक्टिस नहीं की वो पीछे रह गए। क्या बाबा ने मुरलियों में मना कर दिया कि ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो जिन्होंने उल्टा किया, ब्रह्मा का चित्र भी रखा, ब्रह्मा का चित्र छोड़ो, दीदी दादियों दादाओं के भी चित्र रखना शुरू कर दिए, तो उनकी अवस्था नीचे गिरेगी या बीज रूप स्टेज बनेगी? नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी। तो एक बिंदी देखते हो, एक बिंदी देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मिक वृत्ति आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा? सारा ज्ञान सुनने सुनाने के बाद क्या आ गया? जिस पहली सीढ़ी से ज्ञान शुरू किया वही लास्ट में वही सीढ़ी आने लगी। क्या? आत्म दृष्टि बनाओ। अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, मेरा स्वभाव ये कभी नहीं कहना, सदैव स्व के भाव में रहना। ठीक है ना? बाप दादा इस सीजन के पहले टर्न में, पहला टर्न तो आप सबका है ना, तो जब पहला टर्न लिया है
तो पहला नंबर रिटर्न भी देना है क्या? जिन्होंने इस सीजन का पहला टर्न लिया है उनको क्या करना है? पहले नंबर का रिटर्न भी देना है, देना पड़ेगा ना। और डबल विदेशियों की विशेषता जन्म से है, जो भी करेंगे वो पक्का ही करेंगे, अधूरा काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अधूरा नहीं करते हैं, पक्का ही करते हैं। हाँ अथवा ना के बीच में नहीं लटकते हैं। तो रिटर्न करना है ना, बस इस सीजन में, पूरी सीजन में आज से ही फर्स्ट चांस है। बाप दादा यही चाहते हैं, ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चले लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को, जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में मिलो, चाहे बाहर की आत्माओं से मिलो, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उनको संतुष्टता का सहयोग दो। क्या उन आत्माओं को ये भासना आए कि इनके मिलने के बाद हमें संतोष आ गया? ये कब होगा है? जो खुद संतुष्ट मणि होगा वो दूसरों को भी संतोष दे सकेगा। तो जिससे भी मिलो उसको संतुष्टता का सहयोग दो, स्वयं भी संतुष्ट रहो, दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का समान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। क्या कहा? सदा संतुष्ट मणि। इसका मतलब इस सीजन में कौन सी परीक्षा आने वाली है? असंतोष की परीक्षा आने वाली है। हर आत्मा आपस में एक दूसरे से असंतोष की परीक्षा से पसार होगी, और बाप से भी असंतुष्ट होने की परीक्षा आ सकती है। संतुष्ट मणि बनना है, भाई भी मणि है। क्या कहा? भाई भी मणि है। मणि स्त्रीलिंग होती है पुल्लिंग होती है? हैं? मेल या फीमेल? मणि क्या होती है? फीमेल होती है ना। तो भाई भी मणि है, माना आत्मा भी, आत्मा तो है लेकिन भाई की अगर आत्मा है तो वो भी मणि है, मणा मणा नहीं है। भाई पने का कॉन्शसनेस आ जाता है तो बड़ा रोब आ जाता है, मणि होती है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे, स्वयं ही संतुष्ट नहीं होंगे तो दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ठीक है, ये बात पसंद है, कुमारियों को पसंद है, जिसको पसंद है और पसंद करेगा, सिर्फ सुनने में पसंद नहीं, करने में पसंद। जिनको पसंद है वो हाथ उठाओ। हाथ देख करके बाप दादा की दिल खुश हो गई, बहुत बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। कुछ भी हो जाए अपने समान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर भटकना नहीं। क्या कहा? जब कोई से असंतुष्ट होते हैं, मान लो इनसे असंतुष्ट हुए, दूसरा अच्छा लगता है तो उससे संतुष्ट होने लगे, उसकी सीट पर सेट होने लगे। एक दो खराब लगते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह दिल अटक जाती है, ये हमारा सहयोगी है। लेकिन नहीं, क्या इस संसार में ऐसा समय आने वाला कोई किसी का सहयोगी नहीं रहेगा, सबका सहयोगी
एक बाप होगा। तो बोला भटको नहीं, कभी किस सीट पर कभी किस सीट पर नहीं, अपने समान की सीट पर एकाग्र हो जाओ। और एकाग्र सीट पर सेट होकर के अगर कोई भी बात आती है तो एक कार्टून से एक मुआफिक देखो। किसी के असंतुष्ट होने की बात आती भी है सामने तो क्या देखो, ये कार्टून हमारे सामने आ रहा है। कार्टून देखना तो अच्छा लगता है ना, कोई आके फाड़ के आएगा, कोई ऐसे सामने आएगा जैसे अभी अभी मार देगा, कोई लाल मुंह बना के आएगा, कोई चिल्लाता बिल्लाता आएगा। तो कार्टून शो के मुआफिक देखो, कार्टून तो देखना सबको अच्छा लगता है। तो ये समस्या नहीं है क्या, जो असंतोष की समस्या आती है, संस्कार मेल नहीं खाते हैं, स्वभाव संस्कार टकराते हैं, ये समस्या नहीं है, ये कार्टून शो चल रहा है। क्या चल रहा है, कार्टून, ये कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है, गंदी सी छिपकली सामने आ गई, तो ये सब कार्टून शो है क्या। ये मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों का पार्ट यही बजा लेती है बाबा, छिपकली माना वो दीवार से चिपकती रहती है, गंदी होती है ना, कीड़े मकोड़े खाती रहती है। तो ये सब कार्टून शो है, अपनी सीट से अपसेट नहीं हो जाओ क्या, अपनी सीट से अपसेट मत हो जाओ, मजा आएगा। अच्छा शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आई, तो सबको आने दो क्या, कुत्ता भौं भौं करेगा, बिल्ली आपस में लड़ाई करेगी, शेर आएगा खाने के लिए आएगा। अपनी सीट से देखो मत, सीट पर सेट रहो, बहुत मजा आएगा, आने दो, उनको मुस्कुराते हुए देखते रहो। बाप दादा ने सुनाया था तो आप सब अपने समान के शान की सीट पर रहो तो कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। परेशान कब होते हैं कि जो कुत्ता आया, जो शेर आया, जो बिल्ला आया, उसको देख करके उसकी शान में, उसकी शान में, पर की शान में चले जाते हैं, समान भूल जाता है, शान में रही नहीं रहते हो ना, समान की शान में रहते हो तो परेशान नहीं हो सकते। छोटा सा पेपर टाइगर होता है लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होकर के समान की सीट पर रहना, माना माया हिलाएगी, क्या होगा, माया इस साल हिलाएगी। इस वर्ष एकाग्र होकर के समान की सीट पर रहना, ऐसे नहीं कहना है मैं जानती तो हूँ, मैंने ज्ञान की बातें सुनी तो है, जानी भी है, लेकिन लेकिन शब्द नहीं आने पाए। सुनना और जान लेना, सुनना समझ लेना जान लेना ये तो ठीक बात है, लेकिन अपने को मान करके एकाग्र होकर के सीट पर डटे रहना, बैठे रहना, मान करके नहीं चलते हो, सिर्फ जानते हो और सुनते हो, सीट पर स्वरूप में स्थित होके बैठो, समझा। बाप दादा को समाचार मिला था कि ये कुमारियों का ग्रुप, चार ग्रुप है ना, क्या कहा, कहाँ तक पहुंचे,
हैं? कुमारियों का ग्रुप, ये कुमारियों का ग्रुप है, चार ग्रुप है ना, एक कंप्यूटर ग्रुप और एक मैनेजमेंट ग्रुप, एक हेल्थ का ग्रुप, चारों ही ग्रुप का समाचार मिला। अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर चलाते भी कंप्यूटर वाली कुर्सी पर भले बैठना, लेकिन अपने स्वमान की सीट को छोड़ना ऐसे नहीं करना, क्योंकि कंप्यूटर जिसके हाथ में आ जाता है ना, वो समझता है कि हमने सारी दुनिया को कंट्रोल कर लिया, जिसको चाहेगा उसको वैसे ही नचाऊंगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर्स तो सारे आजकल कंप्यूटर के द्वारा चलते हैं। हाँ, अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर चलाते भी कंप्यूटर वाली कुर्सी पर बैठे रहना, डटे रहना, डबल सीट पर बैठना। क्या, कौन सी डबल सीट? एक कंप्यूटर की सीट और दूसरी सामान की सीट पर बैठना, तो डबल सेवा हो जाएगी। क्या, कौन सा ग्रुप है बाप दादा के सामने है? कुमारियों का ग्रुप है, चार ग्रुप है। तो बोला सिर्फ कंप्यूटर की सीट पर नहीं बैठना, डबल सीट पर बैठना, समान की सीट पर भी सेट होकर रहना, तो डबल सेवा हो जाएगी, बहुत सेवा कर सकते हो। क्या कहा? बहुत सेवा, सेवा बहुत कर सकते हो। हेल्थ वाले भी बहुत सेवा कर सकते हैं। दिखाया था, किताब बनाया है ना, सब समाचार सुना है। किताब किसने बनाया है? अच्छा बनाया है, लेकिन हेल्थ के साथ समान पहले, समान की सीट को नहीं छोड़ना, कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, सेठ स्वरूप की स्मृति के सीट पर रहना, अपनी सीट नहीं छोड़ना। कुमारियों ने जो भी प्रॉमिस किया है बहुत अच्छा किया है। बाप दादा अभी प्रॉमिस की मुबारक दे रहे हैं, लेकिन लेनी कौन सी मुबारक है? प्रैक्टिकल की मुबारक लेनी है। क्या, सिर्फ प्रॉमिस करने की मुबारक नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करके दिखाने की मुबारक लेनी है। 17:10:3 की वाणी का पांचवा पेज। तो आज सिर्फ प्रॉमिस की मुबारक दे रहे। क्या, परियों ने प्रॉमिस किया है उसकी मुबारक दे रहे। क्या प्रॉमिस करवाई थी आज? सोमान की सीट पर सेट रहेंगे, संतुष्ट मणि बनेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। तो आज सिर्फ प्रॉमिस की मुबारक दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल रिजल्ट की भी मुबारक देंगे। क्या बोला? वो मुबारक लेनी है ना। अच्छे अच्छे बैठे हैं, दिखाई दे रहा है, अच्छी समान वाली कुमारियां हैं। क्या कहा? अच्छी समान वाली कुमारियां हैं। कोई ने कहा 10 साल वाले बैठे हैं, हैं? माताएं कुमारियां हैं या सिर्फ माताएं हैं? हैं? क्या है? कुमारियां हैं? कैसे? पवित्रता का पालन करता है। हाँ, जब से ज्ञान में आई तो प्योरिटी की बात बुद्धि में बैठ गई और पक्की कर ली। कोई कुछ भी करे, लेकिन हम प्योरिटी के वाइब्रेशन से नीचे नहीं आएंगे, तो कुमारियां होगी। कोई कुछ भी जबरदस्ती करे, कुछ भी करे, लेकिन अपनी मनसा अगर सेट है
तो शरीर जैसे मुर्दा मुर्दा हो जाएगा तो कोई असर नहीं होगा। मुर्दे को कोई असर होता है क्या? नहीं। कोई असर नहीं होता। तो माताओं को भी बाबा क्या कहते हैं? माताओं को कुमारी बना देते हैं। क्या अभ्यक्त बाप दादा ने बोला? क्या बोला? माताओं को कुमारी बना देते हैं और कुमारियों को माता बना देते हैं। ये क्या करते हैं? बाबा बहुत चालाक है। क्या क्या चालाकी दिखाते हैं? तो माताओं के द्वारा तो स्वर्ग के गेट खुलवाने हैं, अगर कुमारियों को माता नहीं बनाया तो स्वर्ग का गेट नहीं खुलने वाला नहीं, क्योंकि प्योरिटी की ताकत से ही स्वर्ग का गेट खुलता है। तो बोला प्रॉमिस की मुबारक दे रहे हैं, अच्छे अच्छे बैठे हैं, ये दिखाई दे रहा है, अच्छी समान की कुमारियां हैं। कोई ने कहा 10 साल वाले बैठे हैं, ये भी बहुत कमाल है। क्या बाप दादा के सामने 10 साल के पुराने भी आकर के बैठ गए, 10 साल अमर रहे हैं, तो अमरनाथ बाबा की तरफ से अमर भव का वरदान। क्या क्या अमर रहना, अमरनाथ वाला बाबा, सबसे ऊंचा वाला बाबा कौन सा कहा जाता है? अमरनाथ वाला बाबा। तो हमेशा ऊंची स्टेज में रहना, कभी नीचे नहीं गिरना। कौन कौन है 10 साल वाले? हाथ उठाओ पहले। हैं 10 साल पुराने कौन कौन है? कोई एडवांस में 10 साल पुराने और कोई बेसिक में पुराने, वो भी हाथ उठाओ। बेसिक में 10 साल पुराने है और भाइयों में कोई नहीं? अरे है ना वो। अच्छा चार ही है। अच्छा चार ही ग्रुप की बात हो रही है। अच्छा तो नवरत्न निर्विघ्न बनाने के होते हैं। हाँ बोला अमरनाथ बाबा की तरफ से अमर भव का वरदान। हाथ उठाओ 10 साल वाले। आंटी अंकल को तो बहुत साल हो गए, कोई 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है, हैं? उनको कहा आंटी और अंकल, इनको 10 साल हो गए, 10 से भी ज्यादा हो गए। तो 10 साल वालों को बाप दादा नवरत्नों की माला पहनाए रहे हैं। क्या 10 साल वालों को बाप दादा नवरत्नों की माला पहनाए रहे हैं, नवरत्न निर्विघ्न बनाने के होते हैं। निर्विघ्न जिंदगी बिताने के लिए कौन सी अंगूठी पहनते हैं? नवरत्नों की। तो नवरत्न निर्विघ्न बनाने के होते हैं आठ शक्तियां और बाप, ये सदा स्मृति में रहे। अच्छा है फॉरेन में रहते अभी 10 साल पास किया तो अमर हो गए ना, कि समझते हो पता नहीं आगे क्या होगा? अच्छा 10 साल वालों ने जो हाथ उठाया उनको अपने फ्यूचर का भी निश्चय है, कि समझते हैं कि पता नहीं चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे, फ्यूचर के बारे में ऐसा कनिष्ठ संकल्प तो नहीं आता है। जो समझते हैं अंत तक साथ रहना ही है, जो समझते हैं कि 10 साल से चल भी रहे हैं और अंत तक भी साथ रहना ही है, अमर रहना है, कुछ भी हो जाए, हिमालय जितना पहाड़ भी गिर जाए गिरेगा, क्या कहा? हिमालय जैसा पहाड़ भी गिरेगा, तो पक्के हैं। बहुत अच्छा। अच्छा इंडिया वालों ने हाथ उठाया, इंडिया वाले ने ज्यादा हाथ उठाई दिया होगा, देखो भाषा तो इंडिया वाले समझते हैं। ये 10 साल वाले नहीं, लेकिन सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ साथ राज्य में आवेंगे, पक्का है ना?
साथ रहेंगे ना, माने परीक्षा आने वाली है, साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला छोड़ करके नहीं चले जाना हैं? बाप को अकेला छोड़ करके नहीं चले जाना, माने ये परीक्षा आने वाली है। क्या क्या बोला था? बाप को अकेला छोड़, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा हैं? और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ऐसे बोला था ना, ताला भी नहीं लगाने देंगे। कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे, ये पक्का है ना? किसके साथ राज्य में आएंगे हैं? बाप के साथ राज्य में आएंगे कि गुलजार दादी के साथ राज्य में आएंगे? बाप के साथ। गुलजार दादी की बात नहीं हो रही है? बाप की बात हो रही है, क्योंकि वाणी तो उस समय गुलजार दादी की मुख से चल रही थी ना। यहाँ बोला कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? बाप के साथ रहेंगे और साथ ही चलेंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे साथ ही चलेंगे और साथ ही राज्य में आएंगे हैं? साथ ही आएंगे। ब्रह्मा बाबा तो साथ में आने का सवाल ही नहीं, वो तो शरीर छोड़ गए, तो क्या ये शरीर छोड़ करके साथ में आएंगे? नहीं, शरीर में रहते हुए ही साथ में आने का पुरुषार्थ है, पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला छोड़ करके नहीं चले जाना। क्या कहा? अकेला छोड़ कर देख रहे हैं? बाप को अकेला छोड़ करके नहीं चले जाना, अकेला थोड़े ही अच्छा लगेगा। क्या कहा? अगर चले भी जाएंगे तो जहाँ कहीं भी जाएंगे दुनिया ग्लान कर करके माता फोड़ देगी, अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या बाप जो इतने ढेर सारे बच्चों के साथ रहता रहा हो, उसको अकेला रहना पड़े तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। शास्त्रों में भी आया है, क्या आया है? महाभारत में, भागवत में कृष्ण के साथ जो 16,000 गोपियां दिखाई, महाभारत में 11 अक्षौणी सोनन उनके साथ दिखाई, जब लास्ट चांस आया, अंतिम समय आया, तो कृष्ण के पांव में जब बहेली ने तीर मारा था तो कृष्ण अकेला रह गया, कोई उसका साथी नहीं रहा, तो कैसा लगा होगा? तो कहा बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छोड़ना नहीं। क्या? इसलिए छोड़ना नहीं, कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, बाबा मेरा बाबा, बाबा हम हाजिर हैं। क्या बोलो? बाबा हम हाजिर हैं, आपकी समस्या को बाप दादा हल कर देंगे। दिल से बोलना। क्या? समस्या बताते समय क्या बोलना? दिल से बोलना, बाबा यह बात है। अपनी समस्या बताना, बाबा यह करो। ये बंधा हुआ है कौन? बाप। बाप आपकी समस्या हल करने के लिए आपके साथ बंधा हुआ है, लेकिन दिल से। क्या? दिल से गुहार लगाना, ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर जब बात आए तो भूल जाओ। अच्छा, ओम शांति।